अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनियाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत डाले। व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए बना रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो पिज़्ज़े के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम। सबसे पहले जी डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 2 सब्ज़ मिर्चें उनको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिए, 1/2 प्याली दही, 250 ml का क्रीम का पैकेट होता है वो 1/2 पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा जो स्पाइसेस जाएंगे वो है जी 1.5 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स कर लिया है मैंने इसको अच्छी तरह, और 1/2 घंटे के लिए अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। 1/2 घंटे बाद मैंने चिकन को निकाल लिया है, अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। पैन के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर ली है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी थोड़ा सा बटर, और साथ ही इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूँगी, इससे जो है वो बटर जलता नहीं है अगर ऑयल साथ में शामिल कर दें तो। देखें बटर मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह पक जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे। ये देखिए जी चिकन का अपना पानी और दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हमारा मज़े का चिकन मलाई बोटी तैयार है। फ्लेम अब मैं कर रही हूँ बंद, अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। इस रेसिपी में आपको मैं पिज़्ज़ा डो और पिज़्ज़ा सॉस बनाना नहीं बताऊँगी बल्कि डायरेक्ट पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, क्योंकि ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। ओवन को मैंने पहले से ऑन कर लिया, पिज़्ज़ा ट्रे को पहले ग्रीस कर लेंगे। अब
जो है क्रस्ट हम पिज़्ज़े का वो ऐसे हाथों से ही तैयार करेंगे। ये देखें हाथों से ही मैंने इसको फैला लिया डो को, आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं। अब इस पे लगाऊंगी जी मैं पिज़्ज़ा सॉस, जिसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, होममेड सॉस है। सॉस मैंने लगा दी है, लेकिन सॉरी मैं ये फोक से ऐसे निशान लगाना भूल गई, तो आप भी लगा लें, इससे ये है कि पिज़्ज़ा जो है वो हर साइड से इक्वल पक जाता है। ऐसे निशान लगा लेंगे हम। लेंगे जी चिकन जो हमने तैयार किया है, भी डाल दिया। अब इस पे डाल रही हूँ प्याज, प्याज हम मैंने बारीक बारीक ही काटा है, आप किसी भी में काट सकते हैं, गोल या जूलियन कटिंग। प्याज डाल दिया, थोड़ी डालेंगे जी शिमला मिर्च, टमाटर, बस ये है कि जिस शेप में भी काटनी है आपने चीज़ें, ये सब्जियां जो हैं सारी एक ही शेप में काटें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस पे डाल रही हूँ जी चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने मिक्स करके रखा है, वो इस पे डाल देंगे। इसके ऑलिव्स भी लगा देते हैं, आपके पास जो भी हो ब्लैक या ग्रीन वो लगा सकते हैं। और अब मैं इसको बेक होने के लिए रखती हूँ। पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, उतनी देर हम करते हैं एक सॉस तैयार। इसमें हमने ली है जी तकरीबन 4 टेबलस्पून क्रीम, इतना ही हम डालेंगे जी मायनेज, स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा नमक तकरीबन चुटकी के बराबर, और हाफ टी स्पून ओरिगानो। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लगे कि सॉस ज़रा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, अपने हिसाब से जितनी आपने पतली करनी है पेस्ट, थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। ये देखें सॉस तैयार हो गई है, अब मैं इसको पाइपिंग बैग में डालूंगी। आपके पास अगर केचप वाली बॉटल हो उसमें डाल सकते हैं आप, मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। ऑलिव ऑयल थोड़ा, ऐसे आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, वैसे बॉटल से ही डाल रही हूँ। ऑलिव ऑयल के बाद ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं वो ऊपर छिड़क रही हूँ। ये देखिए सॉस बना के मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली थी, अब इसको ऊपर से ऐसे डेकोरेट कर लेंगे। ये देखें जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। अब इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह।